वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. मैं क्या कर रहे थे, तकसीम कर रहे थे और पोजीशन को पकड़ लिया। और मैं खुद समझती थी क्योंकि आज के जो रिलेशनशिप है रूस और इंडिया के बहुत बेहतरीन है, तो मुझे लगता था कि शायद शुरू से ही ऐसा है, लेकिन रूस का ये पूरी दुनिया में सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जहां सत्य, अहिंसा, सहनशीलता, न्याय, प्रेम, जीवनोत्थान आदि क्रियाएं स्वाभाविक तौर पर हैं। हमारे धर्म ग्रंथ सदैव जीवों पर दया करना सिखाते हैं। हमारे वेद कहते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार है। सनातन धर्म के मानने वाले लोग पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ सदैव परोपकार में लगे रहते हैं। यही नहीं, दूसरे धर्म के मानने वालों का भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना सनातन धर्मियों का। परंतु विश्व के अन्य धर्मों के लोग कभी कभी सनातन धर्म के लोगों से वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा वह अपने सधर्मी लोगों से करते हैं। मित्रों, समय समय पर आप लोगों ने भी देखा होगा कि सनातन धर्म पर किस तरह दूसरे धर्म के लोग हमले करते रहे हैं और इसे मिटाने का असफल प्रयास भी करते रहते हैं, परंतु जीत हमेशा सत्य की ही होती है। इसीलिए सनातन धर्म को ना कभी मुगल मिटा पाए ना कभी अंग्रेज, और यह सनातन धर्म सृष्टि के आरंभ से ही है और प्रलय के अंत तक रहेगा। यह एक अटल सत्य है, इसे मिटाने वाले एक दिन खुद मिट जाएंगे और पूरे विश्व में केवल सनातन धर्म ही शेष बचेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी साइंट इफेक्ट हिंदू और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेंद्र। मित्रों, मुख्य रूप से सनातन धर्म में चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण व 108 उपनिषद हैं, तथा इनके अलावा वाल्मीकि रामायण। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। रामचरितमानस आदि धर्म ग्रंथ भी सर्वमान्य है, परंतु भगवद गीता सनातन धर्म की एक ऐसी पुस्तक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए उपदेश लिखे हैं, अर्थात यह साक्षात भगवतवाणी है। भगवद गीता ही दुनिया की एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसमें मानव जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। भगवद गीता को नित्य पढ़ने वाला व्यक्ति अपने जीवन में नित्य नए आयाम स्थापित करता है। भगवद गीता के बारे में प्रायः आप सभी जानते ही हैं कि जब महाभारत युद्ध में अर्जुन अपने सगे संबंधियों को अपने विरुद्ध युद्ध के लिए खड़ा देखा था, तब वह बहुत हताश व निराश हो गए थे तथा युद्ध करने से ही मना कर दिया था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश केवल सनातन धर्म मानने वालों के लिए ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के प्राणियों के लिए है, जैसा उन्होंने 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 20 में कहा है, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतास यस्थिता अहम आदिश्च मध्यम च भूतनामंत एव च, अर्थात इस धरा पर स्थित समस्त प्राणियों की आत्मा मैं ही हूँ, मैं ही सबका आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ और मैं ही अंत हूँ। मित्रों, जो भगवद गीता प्राणी मात्र जीवन की कठिनाइयों से संघर्ष करने की शक्ति देती है। एक समय ऐसा भी आया जब विधर्मियों ने इस पर बैन लगाने की मांग की। जी हाँ मित्रों, भारत के ही एक मित्र देश में यह मांग उठी। उस समय तमाम सनातन धर्म के मानने वालों पर हमले हुए। भगवद गीता को युद्ध के लिए प्रेरित करने वाली पुस्तक बताया गया। यही नहीं, यह मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया, साथ ही संसद में भी इस पर चर्चाएं हुई। जी हाँ मित्रों, यह सब हुआ भारत के ही मित्र देश रूस में। सन 80 के दशक में विश्व प्रसिद्ध संत शील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में हरे कृष्ण मिशन द्वारा रूस में भगवद गीता का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। भगवद गीता का प्रभाव रूसी जनमानस पर ऐसा पड़ रहा था कि प्रतिदिन हजारों लोग सनातन धर्म में वापसी कर रहे थे। यह सब देखकर वहां के कट्टरपंथियों को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वहां की संसद में किसी भी धार्मिक पुस्तक छापने, तथ्य बांटने आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हरे कृष्ण मिशन से दो रूसी नागरिक काफी प्रमुखता से जुड़े, उनका नाम था सार्किस और गार्गिक। दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे। भगवद गीता पढ़कर उनके जीवन में काफी बदलाव आया, उनकी बुरी आदतें भी छूट गईं, साथ ही उन्हें जीवन के सही मूल्यों का ज्ञान हुआ, इसीलिए उन्होंने भगवद गीता का प्रचार प्रसार करने की ठानी। वहीं दोनों रोज भगवद गीता की पुस्तकें लोगों में बांटते थे।
एक दिन रूसी पुलिस ने सरकिस और गार्गिक दोनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। रूसी पुलिस का एक ही मकसद था कि वह दोनों सनातन धर्म त्याग ने, इसीलिए जेल में उन पर बहुत अत्याचार किए गए। सरकिस और गार्गिक ने जब सनातन धर्म अपनाया था तब से उन्होंने शाकाहार अपना लिया। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना मत था। वह मांसाहार त्याग दिया था लेकिन जेल प्रशासन उन्हें खाने में नॉनवेज व ब्रेड देता था। सरकिस व गार्गिक ने 2 साल तक जेल में केवल ब्रेड खाकर समय बिताया। फलस्वरूप सरकिस बीमार हो गया और उसकी मौत हो गई। रूसी पुलिस जहां कहीं भी किसी सनातन धर्मी को देखती उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देती। रूसी पुलिस बलपूर्वक सनातन धर्म के प्रचार व प्रसार को रोकना चाहती थी। सन 1988 में मॉस्को के अंदर काउंसिल ऑफ रिलीजियस अफेयर ने कृष्णा कॉन्शियसनेस को रजिस्टर किया और उसके बाद रूस में भगवद गीता को कानूनी रूप से मान्यता मिली और इसके साथ ही सनातन धर्म का प्रसार एक बार फिर से आरंभ हुआ। 1991 में रूसी सरकार ने वैदिक मंदिर और कल्चरल सेंटर बनाने के लिए प्रस्ताव पास किया और इसके लिए उन्होंने जमीन देने की बात की, परंतु यह बात वहाँ की क्रिश्चियन और मुस्लिम लोगों को नागवार गुजरी और उन्होंने इसका विरोध किया। सबसे ज्यादा विरोध द विशप काउंसिल ऑफ ऑर्थोडॉक्स चर्च ने किया। इस विरोध के कारण साल 2004 में रूसी सरकार वह जमीन वापस लेने का फैसला करती है। हिंदू बन चुके रूसी लोगों ने भारत सरकार से गुहार लगाई कि भारत इस मामले में उनकी मदद करे। उस समय रूस में सनातन धर्म के लोगों से दुर्व्यवहार होने लगा, उनकी शोभा यात्रा पर हमले होने लगे, मंदिरों पर हमले हुए जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी काफी आलोचना की गई, जिसके परिणाम स्वरूप भारत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण रूसी सरकार जमीन वापस लेने वाला फैसला रद्द करती है। परंतु साल 2011 में एक बार फिर रूसी अदालत ने भगवद गीता पर पाबंदी लगा दी। इसको लेकर भारत की संसद में जोरदार बहस भी हुई। भारत में ऐसा पहली बार हुआ था जब पक्ष व विपक्ष एक साथ दिखे। भारतीय कूटनीति व अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर सन 2012 में रूसी अदालत को यह फैसला वापस लेना पड़ा और एक बार फिर सनातन धर्म की जीत हुई। मित्रों, रूस में भारतीय लोग मात्र 15,000 ही हैं, परंतु वहां सनातन धर्म मानने वालों की संख्या 1,00,000 से भी अधिक है। रूसी जनमानस में गीता का प्रभाव इतना ज्यादा है कि वहां हर रोज सनातन धर्मी बढ़ते जा रहे हैं। सनातन धर्म में आए रूसी लोगों ने मांसाहार त्याग दिया है, वह पूर्णतया शाकाहारी हो गए हैं। साथ ही वह होली, दीपावली, जन्माष्टमी आदि त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यह सब देखकर लगता है कि देर से ही अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। सही, लेकिन एक दिन पूरा विश्व सनातन धर्मी होगा, क्योंकि सनातन ही आरंभ है और सनातन ही अंत। साल 2014 से पहले भारत की पहचान ताजमहल, कुतुब मीनार आदि हुआ करते थे, परंतु वर्ष 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में कई राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था और उन्हें भगवद गीता भेंट की थी। तब से हमारे प्रधानमंत्री जिस भी विदेश दौरे पर जाते हैं वहाँ वह अपने साथ गीता पुस्तक अवश्य ले जाते हैं और वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को भेंट करते हैं। अब भारत की पहचान भगवद गीता से होने लगी है। इस तरह भगवद गीता के माध्यम से उन्होंने विश्व में सम्मान दिलाने के साथ साथ भारत को भी उच्च सम्मान दिलाया है तथा उसकी असली संस्कृति से विश्व का परिचय कराया है। तो मित्रों, आपका इसके विषय में क्या सोचना है कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्या कर रहे थे, तकसीम कर रहे थे और पोजीशन को पकड़ लिया। और मैं कुछ समझती थी क्योंकि आज के जो रिलेशनशिप है रूस और इंडिया के बहुत बेहतरीन है, तो मुझे लगता था कि शायद शुरू से ही ऐसा है, लेकिन रूस का ये अलग चेहरा देख के मैं हैरान रह गई कि सन 2012 तक इन्होंने भगवद गीता के मानने वालों को इतना टॉर्चर किया और जमीन अलॉट करके फिर वापस ले ली, फिर की फिर वापस ले ली, मतलब कि एक मंदिर बनाते वक्त भी ये लोग डर रहे थे। और गाइज, आपको यह मैशअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।